फ्रेंड्स इसलिए मैं आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये जो गाउन है इसमें क्या है, ये चैन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस चैन है जो हमें निकाल के हमें यहाँ की सिलाई है जो पूरी बंद करनी है क्योंकि ये चैन है चुभता है, तो इस चक्कर में हम इस चैन को निकाल देंगे। तो चैन निकालना बहुत ईजी है, अगर बाई चांस किसी के बटन लगे हो तो वो भी बंद कर सकते हो, किसी के यहाँ चैन लगा हो तो वो भी बंद कर सकते हो। तो फिलहाल हमें ये चैन हटाना है। इनको क्या है, थोड़ा सा गला है जो बड़ा चाहिए, पीछे का भी और आगे का भी, तो इस गले को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उस चैन को भी निकालेंगे। तो गला है जो हम आगे का 4 या 4.5 रखेंगे, पीछे का गला है वो हमारा 2 इंच का या 1.5 इंच का है, जब बहुत कम है तो उसको भी थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे। तो इसको हमें 4.5 करना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ से मेजरमेंट ले लीजिए आप और यहाँ पे एक निशान दे देंगे हम इस तरीके से, 4 पे एक निशान दे दिया हमने ताकि हम इसकी इस तरीके से गोलाई निकाल के और यहाँ से चैन निकाल के और फिर हम वापस ये पाइपिंग है जो हमें करनी होगी, ये पाइपिंग हम वापस लगा देंगे। तो पाइपिंग के लिए आपके पास अगर इसके मैचिंग का कपड़ा हो जैसे रेड कलर तो आप वो दूसरा भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही पाइपिंग लगाएं, और अगर आपके पास नहीं मिल रहा हो तो आप ये भी खोल के लगा सकते हैं। दूसरा इसमें जो बाजू है वो फुल बाजू थी 17-18 की, तो कटिंग कर दी है, कटिंग करके मैंने ये बाजू में दोनों निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाजू का कपड़ा है वो हम यहाँ लगाएंगे चैन वाली जगह और इसको सही करेंगे। ये ब्लेड लूँगी, ब्लेड की सहायता से यहाँ की कटिंग कर दूँगी, जैसे ये सिलाई है वो ब्लेड की सहायता से खोलूँगी, क्योंकि ब्लेड की सहायता से थोड़ा इजीली खुल जाता है और आराम से खुल जाता है, ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको खोल लेती हूँ इस तरीके से। ब्लेड का आप अपने हाथ का भी ध्यान रखिए और कपड़े का भी ध्यान रखिए, कपड़ा ना कट जाए, तो मैं इस तरीके से इससे आराम से खोल सकती हूँ। यहाँ से चैन निकल चुका है, तो चैन निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये चैन को हटा दिया पूरा, यहाँ से निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और गले की कटिंग कर लेंगे, तो आगे और पीछे दोनों गले हमारे कटिंग हो जाएंगे क्योंकि ये गला है पूरा टच में है। इस तरीके से गला है जो गोल कटिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो गला है इसमें मोटे में हमारे जॉइंट नहीं है, बिना जॉइंट का है क्योंकि रेडीमेड गाउन है इसलिए। तो अब इसको इस तरीके से रख के और हम कटिंग कर लेंगे, थोड़ा पीछे का काट लेंगे थोड़ा आगे का, गला है जो वापस गोल ही निकालेंगे। देखिए इस तरीके से देखो हमने कटिंग कर लिया पीछे से। पहली रेड कपड़ा लेंगे और इसके अंदर चारों तरफ पाइपिंग कर देंगे पहले, फिर हम इसमें कपड़ा जोड़ देंगे। हमने ये पट्टियाँ निकाल लिए इस तरीके से, इनको जोड़ के पहले इसकी पाइपिंग बना लेते हैं, फिर हम गाउन में अटैच कर देंगे पाइपिंग को। उसके बाद जो ये गैप बचा है इस गैप के अंदर पहले हमें कपड़ा लगाना होगा, जो कपड़ा हम बाजू काटी है हमने ये कपड़ा हमें इसके बीच में डालना होगा। तो वो कैसे डालना है मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। तो हम 1.5 इंच की एक पट्टी निकालेंगे और इसके बीच में लगाएंगे, वो कैसे निकालनी है मैं आपको बता देती हूँ। 2 फोल्ड में लगा लेंगे इस तरीके से इस कपड़े को। देखो हम लेंगे 2 इंच का, 1 इंच की हमारा बीच में गैप आएगा, तो 1.5-2 इंच की पट्टी काटेंगे ताकि जो मार्जिन है वो अच्छा आ जाएगा इसके बीच में। इस तरीके से मैंने कपड़ा निकाल लिया और इस कपड़े को मैं उसके बीच में सेट करूंगी चैन वाली जगह पे। 2 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी ये पट्टी निकाल ली है जिसको हमने 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को जहाँ से हमने चैन निकाला है वहाँ पर जोड़ेंगे पहले इस तरीके से। एक पिन लगा के हम इसको अटैच कर लेते हैं ऐसे ताकि कपड़ा हिलेगा नहीं। एक पिन लगा देते हैं तरीके से, अटैच करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। मार्जिन नीचे रहा है हमारा, नीचे 1/2 इंच और 1 पॉइंट, तो ऊपर भी हमें 1/2 इंच और 1 पॉइंट ही छोड़ना पड़ेगा। अच्छे से मैंने ये कपड़ा लगा के अटैच कर दिया, ये पीछे की साइड का है जो पीछे हमारा मार्जिन हमने अच्छा देख के सेट किया है और आगे का ये, तो ये देखिए यहाँ से बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गले की जो पाइपिंग है वो लगाएंगे। हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको निकाल देते हैं, कटिंग कर देते हैं इसकी से, पाइपिंग लगाना शुरू कर लेते हैं। कि
फ्रेंड्स, ये मैंने उल्टी साइड सिलाई लगाई है ताकि ना सामने की साइड में जब फोल्डिंग करेंगे तो फोल्डिंग है वो अच्छी आती है। तो इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे कपड़े को, ऐसे ऐसे फोल्ड करने के बाद इसकी फिनिशिंग है जो थोड़ी अच्छी आती है। तो मैं इस तरीके से पूरे गले में पाइपिंग है जो सेट कर लूँगी। पाइपिंग मैंने गाउन है इसलिए चौड़ी लगाई है, वो धागे वाली पाइपिंग नहीं लगी, चौड़ी वाली पाइपिंग लगी ताकि जो ये पाइपिंग है वो अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ। ये देखिए पाइपिंग कुछ इस तरीके से आ रही है, बहुत अच्छी पाइपिंग आ रही है। गाउन है ना, गाउन में ये अच्छी लगती है पाइपिंग। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरे गले में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा शानदार गला है जो रेडी हो चुका है। इस तरीके से मैंने कुछ पाइपिंग लगाई है, ये देख सकते हैं थोड़ी मोटी पाइपिंग लगाई है मैंने ताकि गाउन है जो अच्छा आएगा खिल के। और इसी तरीके से मैंने इस गाउन को कंप्लीट कर लिया। तो आप भी घर पे इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हुक हो या बटन हो या चैन हो, तो आप निकाल के और घर में इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।